कल जो एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे, सबसे पहले ऑन द बिहाफ ऑफ वाईडीए बलूचिस्तान मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और सूबह भर में हमारा योम सियाह चल रहा है, मतलब कि आप ख़ुद देखें हुकूमत की नाअहली, हुकूमत की नालायकी। अभी तक इतने बड़े सानहे के बाद वज़ीर दाखला पंजाब, वज़ीर कानून, वो अपनी सीटों पे बराजमान हैं। किसी में इतनी अखलाकी वैल्यूज़ ही नहीं है कि वो अखलाकन ही रिज़ाइन कर दें। जिस तरह एक इतने सेंसिटिव हॉस्पिटल्स पे हमला किया, हॉस्पिटल पे हमला किया गया एक ग्रोह की जानब से, दहशतगर्दी की गई और लोग जाने पहचाने हैं कि मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे डॉक्टर्स भी काम करते हुए नहायत मोहतात रहते हैं क्योंकि इतने सेंसिटिव पेशेंट्स आते हैं, कार्डियक सर्जरीज वहाँ पे चल रही थी, इसके बावजूद वहाँ पे ये हमला होना, इस तरह तोड़फोड़ करना, फायरिंग करना, मतलब जंगों में भी इस तरह नहीं रवैया नहीं रखा जाता। ये एक अखलाकी पस्ती और उन इदारों पर सवालिया निशान है जहाँ से ये वकला तालीम हासिल करते हैं। क्या उन इदारों ने उन्हें इतनी भी अखलाकी वैल्यूज़ नहीं सिखाई कि हॉस्पिटल्स पर किसी सूरत भी हमला नहीं किया जा सकता अगर उनको कोई तहफ़ुज़ात थे? वाक़ हल हो चुका था और इस वाक़े में तो डॉक्टर्स इन्वॉल्व ही नहीं थे। क्या अभी हुकूमत इस वाक़े को एक मतलब इतना बड़े सानहे के बाद डॉक्टर्स को तहफ़ुज़ देगी? अगर नहीं देती तो डॉक्टर्स बहुत मजबूर होते हैं कि वो अपने हक़ के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने वक़ार के लिए और ख़ुसूसी अपने मरीज़ों के लिए अपना जो हक़ है वो हासिल करें। शौक से कोई डॉक्टर भी स्ट्राइक नहीं करता, ना हमें शौक है। आज भी हमारी एमरजेंसी चल रही है इतने बड़े सानहे के बावजूद, ओटीज़ चल रही हैं, हम पेशेंट्स को मुकम्मल अपनी तरफ से पूरी सर्विसज़ देंगे। और बाकी कल जो डॉक्टर इब्राहिम के साथ हुआ है ये हुकूमत के लिए मुकम्मल एक नाकामी का सबूत है। मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि ये क्विटा की आवाम पहले से भी गरीब है, वो जो इधर बाहर बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं कर सकते हैं, इधर गरीब आवाम आते हैं इधर इलाज करने के लिए, तो ये भी डॉक्टर इत्तेजाज करते हैं। ये हमारा क्विटे वालों के साथ जुल्म है, ये जुल्म बंद करना चाहिए। ये जो पीडियाज ये बंद कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। ये जो डॉक्टर के साथ जो वसायल हुकूमत नहीं दे रहे, मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि इनको वसायल भी दे। कल परसों हमारी बच्ची बीमार हुई थी, उसके लिए मैं आया था कि डॉक्टर साहब हमारे पास तो पैसे नहीं है इंजेक्शन के लिए, ये इंजेक्शन तो आपके पास पड़े हैं। फिर मेरा दूसरा डॉक्टर के साथ दोस्ती था, उसी डॉक्टर ने हमें वो इंजेक्शन मुफ्त में दिया, दूसरों को नहीं देता है। गरीब आवाम यहाँ पे घूमते हैं, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, वो यहाँ पर आते हैं, वो अपने इलाज के लिए कुछ करते हैं, वो डॉक्टर नहीं करते, ये इत्तेजाज भी करते हैं, इनको ज़्यादा वसाइल भी दिया है। कभी कोई इस तरह हम लोग इस तरह नहीं निकले कि हमारा इलाज नहीं होता है, हम लोग इधर आते हैं अपनी इलाज के लिए, तो इलाज जब पूरा नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे क्यों आते हैं इधर? ये एक ही क्विटा में एक ही अस्पताल सिविल अस्पताल है, वो भी हम लोगों को ये दवाएँ फराहम न कर सके, हमारी इलाज पूरा न कर सके, तो हम इनसे क्या तवक्को रखें?